इस्लाम का सियासी निजाम ये तकरीर 20 जनवरी उन्नीस को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से नशर की गई इस्लाम के सियासी निजाम की बुनियाद तीन असूलों पर रखी गई है तोहीद रिसालत और खिलाफत इन असूलों को अच्छी तरह समझे बगैर इस्लामी सियासत के तफसीली निजाम को समझना मुश्किल है इसलिए सबसे पहले मैं इन्हीं की मुख्तसर तशरी करूंगा तोहहीद के माना यह है कि खुदा इस दुनिया और इसके सब रहने वालों का खालिक, परवरदिगार और मालिक है हुकूमत फरमा रवाई उसी की है वही हुक्म देने और मना करने का हक रखता है और बंदगी वात बिला शिरकत गैरे उसी के लिए है हमारी ये हस्ती जिसकी बदौलत हम मौजूद हैं, हमारे ये जिस्मानी आलात और ताकतें जिनसे हम काम लेते हैं और हमारे वो इख्तियारात जो हमें दुनिया की मौजूदात पर हासिल हैं और खुद ये मौजूदात जिन पर हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं इनमें से कोई चीज भी न हमारी पैदा करदा या हासिल करदा है और न इसकी बख्शिश में खुदा के साथ कोई शरीक है इसलिए अपनी हस्ती का मकसद और अपनी क्वतों का मसरफ और अपने इख्तियार की हदूद मतयन करना न तो हमारा अपना काम है न किसी दूसरे को इस मामला में दखल देने का हक है ये सिर्फ उस खुदा का काम है जिसने हमको इन कवतों और इख्तियार के साथ पैदा किया है और दुनिया की बहुत सारी चीजें हमारे तसरफ में दी हैं। तोहहीद का यह असूल इंसानी हाकिमियत की सिरे से नफी कर देता है एक इंसान हो या एक खानदान या एक तबका या एक ग्ररोह या एक पूरी कौम या मजमू तौर पर तमाम दुनिया के इंसान हाकिमियत का हक बहरहाल किसी को तो नहीं पहुंचता हाकिम सिर्फ खुदा है और उसी का हुक्म कानून है खुदा का कानून का जिस जरिए से बंदों तक पहुंचता है उसका नाम रिसालत है इस जरिए से हमें दो चीजें मिलती हैं। एक किताब जिसमें खुद खुदा ने अपना कानून बयान किया है दूसरे किताब की मुस्तनत तशरीह जो रसूल अलैहि वसल्लम ने खुदा का नुमाइंदा होने की हैसियत से अपने कौल अमल में पेश की है खुदा की किताब में वो तमाम उसूल बयान कर दिए गए हैं जिन पर इंसानी जिंदगी का निज़ाम कायम होना चाहिए और रसूल ने किताब के इस मंशा के मुताबिक अमलन एक निज़ाम जिंदगी बनाकर चलाकर और इसकी जरूरी तफसी बताकर हमारे लिए एक नमूना कायम कर दिया है इन्हीं दो चीजों के मजमू का नाम इस्लामी असलाह में शरीयत है और यही वो असासी दस्तूर है जिस पर इस्लामी रियासत कायम होती है अब खिलाफत को लीजिए यह लफ्स अरबी जबान में नयाबत के मान में बोला जाता है इस्लामी नुकतः नजर से दुनिया में इंसान की असल हैसियत यह है कि वो जमीन पर खुदा का नायब है यानी उसके मुल्क में उसके दिए हुए इख्तियार इस्तेमाल करता है आप जब किसी शख्स को अपनी जायदाद के इंतजाम सपुरद करते हैं तो लाजिमन आपके पेश नजर चार बातें होती हैं एक ये कि जायदाद के असल मालिक आप खुद हैं न कि वह शख्स दूसरे ये कि आपकी जायदाद में इस शख्स को आपकी दी हुई हिदायत के मुताबिक काम करना चाहिए तीसरे ये कि उसे अपने को इन हदूद के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए जो आपने उसके लिए मुकरर कर दी है चौथे ये कि आपकी जायदाद में उसे आपका मंशा पूरा करना होगा न कि अपना ये चार शर्तें नयाबत के तस्वुर में इस तरह शामिल है कि नायब का लफ्स बोलते ही खुद बखुद इंसान के जहन में आ जाती है अगर कोई नायब इन चारों शर्तों को पूरा न करे तो आप कहेंगे कि वो नयाबत के हदूद से तजावज कर गया और उसने मुआहदा तोड़ दिया है जो नयाबत के ऐन मफहम में शामिल था ठीक यही माना है जिसमें इस्लाम इंसान को खलीफा करार देता है और इस खिलाफत के तस्वर में यही चार शर्तें शामिल है इस्लामी नजरिया सियासी की रूह से जो रियासत कायम होगी वह दरअसल खुदा की हाकिमियत के तहत इंसानी खिलाफत होगी जिसे खुदा के मुल्क में उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक उसकी मुक्र की हुई हदूद के अंदर काम करके उसका मंशा पूरा करना होगा खिलाफत की इस तशरीह के सिलसिले में इतनी बात और समझ लीजिए किस माना में इस्लामी नजरिया सियासी किसी एक शख्स या खानदान या तबके को खलीफा करार नहीं देता बल्कि इस पूरी सोसाइटी को खिलाफत का मनसब सौंपता है जो तोहीद और रिसालत के बुनियादी असूलों को तस्लीम करके नयाबत की शर्तें पूरी करने पर आमादा हो ऐसी सोसाइटी बहसीयत मजमू खिलाफत की हामिल है और ये खिलाफत उसके हर हर फर्द को पहुंचती है यही वो नुकता है जहां से इस्लाम में जमहूरियत की इब्तदा होती है इस्लामी माषरे का हर फर्द खिलाफत के हकूक और इख्तियार रखता है इन हकूक इख्तियारत में तमाम अफराद बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं किसी को किसी पर न तरजीह हासिल है और न यही हक पहुंचता है कि उन्हें इन हकूक व इख्तियार से महरूम कर सके रियासत का नज्म नस्क चलाने के लिए जो हकूमत बनाई जाएगी वो इन्हीं अफराद की मर्जी से बनेगी यही लोग अपने इख्तियार खिलाफत का एक हिस्सा उसे सौंपेंगे उसके बनने में उनकी राय शामिल होगी और उनके मशवरे ही से वो चलेगी जो इनका एतमाद हासिल करेगा वो उनकी तरफ से खिलाफत के फरयज़ अंजाम देगा और जो इनका एतमाद खो देगा उसे हुकूमत के मनसब से हटना पड़ेगा इस लिहाज से इस्लामी जमहूरियत एक मुकम्मल जमहूरियत है इतनी मुकम्मल जितनी कोई जमहूरियत मुकम्मल हो सकती है अलबत् जो चीज इस्लामी जमहूरियत को मगरबी जमहूरियत से अलग करती है वो यह है कि मगरब का नजरिया सियासी जमहूरी हाकमियत का कायल और इस्लाम जमहूरी खिलाफत का वहां अपनी शरीयत जमहूर आप बनाते हैं यहां इनको इस शरीयत की पाबंदी करनी होती है जो खुदा ने अपने रसूल के जरिए से दी है वहां हुकूमत का काम जमहूर का मनशा पूरा करना होता है यहां हुकूमत और उसके बनाने वाले जमहूर सब का काम खुदा का मनशा पूरा करना होता है मुख्तसर ये कि मगरबी जमहूरियत एक मतलान खुदाई है जो अपने इख्तियार आजादाना इस्तेमाल करती है इसके बरक्स इस्लामी जमहूरियत एक पाबंद आइन बंदगी है जो अपने को खुदा की दी हुई हिदायत के मुताबिक उसके मुकर करदा हदूद के अंदर इस्तेमाल करती है अब मैं आपके सामने उस रियासत का एक मुख्तर मगर वाज नक्शा पेश करूंगा जो तोहहीद रिसालत और खिलाफत की इन बुनियादों पर बनती है इस रियासत का मकसद कुरान में साफ तौर पर यह बताया गया है कि वह उन भलाइयों को कायम करे फरोग दे और परवान चढ़ाये जिनसे खुदा वंद आलम इंसानी जिंदगी को आरास्ता देखना चाहता है और उन बुराइयों को रोके दबाए और मिटाए जिनका वजूद इंसानी जिंदगी में खुदा वंद आलम को पसंद नहीं है इस्लाम में रियासत का मकसद महज इंतजाम मुल्की है और न ये कि वो किसी खास कौम की अज्तमाही ख्वाहिशात को पूरा करे इसके बजाय इस्लाम इसके सामने एक बुलंद नसबुल रख देता है जिसके हसूल में इसको अपने तमाम वसायलो जराये और अपनी तमाम ताकतें सर्फ करनी चाहिए और वो यह है कि खुदा अपनी जमीन में और अपने बंदों की जिंदगी में जो पाकिजगी जो हसन जो खैर व सलाह जो तरक्की व फलाह देखना चाहता है वो रोनमां हो और बिगाड़ की उन तमाम सूरतों का सदबाब हो जो खुदा के नजदीक इसकी जमीन को उजाड़ने वाली और उसके बंदों की जिंदगी को खराब करने वाली हैं इस नसबुलैन को पेश करने के साथ इस्लाम हमारे सामने खैर शर दोनों की एक वाज तस्वीर रखता है जिसमें मतलूबा भलाइयों और नापसंदीदा बुराइयों को साफ साफ नुमाया कर दिया गया है इस तस्वीर को निगाह में रखकर हर जमाने और हर माहौल में इस्लामी रियासत अपना इसलाही प्रोग्राम बना सकती है इस्लाम का मुस्तकिल तकाजा यह है कि जिंदगी के हर शोबे में अखलाकी असूल की पाबंदी की जाए इसलिए वह अपनी रियासत के लिए भी ये कती पॉलिसी मुतिन कर देता है कि उसकी सियासत बेलाग इंसाफ बेलौस सच्चाई और खरी ईमानदारी पर कायम हो वो मुल्की या इंतजामी या कौमी मसलहतों की खातिर झूठ फरेब और बेानसाफी को किसी हाल में गवारा करने के लिए तैयार नहीं है मुल्क के अंदर राई और रया के बाहमी ताल्लुक हों या मुल्क के बाहर दूसरी कौमों के साथ ताल्लुक दोनों में वो सदाकत देानत और इंसाफ को अगराज मसाले पर मुकदम रखना चाहता है मुसलमान अफराद की तरह मुस्लिम रियासत पर भी वो ये पाबंदी आयद करता है कि ऐहद करो तो इसे वफा करो लेने और देने के पैमाने यकसा रखो जो कुछ कहते हो वही करो और जो कुछ करते हो वही कहो अपने हक के साथ अपने फर्ज को भी याद रखो और दूसरों के फर्ज के साथ उसके हक को भी ना भूलो ताकत को जुल्म के बजाय इंसाफ के क्याम का जरिया बनाओ हक को बहरहाल हक समझो और इसे अदा करो इकतदार को खुदा की अमानत समझो और इस यकीन के साथ उसे इस्तेमाल करो कि इस अमानत का पूरा हिसाब तुम्हें अपने खुदा को देना है इस्लामी रियासत अगरचे जमीन के किसी खास खत्ते ही में कायम होती है मगर वो न इंसानी हकूक को एक जगराफी हद में महदूद रखती है और न शहरीत के हकूक को जहां तक इंसानियत का ताल्लुक है इस्लाम हर इंसान के लिए चंद बुनियादी हकूक मुकर कर देता है और हर हाल में उनके एहतराम का हुक्म देता है खा व इंसान इस्लामी रियासत के हदूद में रहता हो या उससे बाहर खा दोस्त हो या दुश्मन खा सुलो रखता हो या बरसरे जंग हो इंसानी खून हर हालत में मोहतरम है और हक के बगैर उसे नहीं बहाया जा सकता औरत बच्चे बूढ़े बीमार और जख्मी पर दस दराजी करना किसी हाल में जायज नहीं औरत की इसमत बहरहाल एहतराम की मुस्तक है और उसे बे नहीं किया जा सकता भूखा आदमी रोटी का नंगा आदमी कपड़े का जख्मी या बीमार आदमी इलाज और तीमारदारी का बहरहाल मुस्तक है खा दुश्मन कौम ही से ताल्लुक रखता हो ये और ऐसे ही चंद दूसरे हकूक इस्लाम ने इंसान को बहसीत इंसान होने के आता किए हैं और इस्लामी रियासत के दस्तूर में इनको बुनियादी हकूक की जगह हासिल है रहे शहरीत के हकूक तो वो भी इस्लाम सिर्फ उन्ही लोगों को नहीं देता जो उसकी रियासत की हदूद में पैदा हुए हों बल्कि हर मुसलमान दुनिया के किसी गोशे में पैदा हुआ हो इस्लामी रियासत के हदूद में दाखिल होते ही आपसे आप उसका शहरी बन जाता है और पैदा शहरियों के बराबर हकूक का मुस्तक करार पाता है दुनिया में जितनी इस्लामी रियासतें भी होंगी इन सब के दरमियान शहरीत मुश्तरक होगी मुसलमान किसी नस्ली कौमी या तबकती इम्तियाज के बगैर हर इस्लामी रियासत में जिम्मेदारी के किसी बड़े से बड़े मनसब का अहल हो सकता है गैर मुस्लिमों के लिए जो किसी इस्लामी रियासत की हदूद में रहते हों इस्लाम ने चंद हकूक मुन कर दिए हैं और वो लाजिमन दस्तूर इस्लामी का जुज होंगे इस्लामी असलाह में ऐसे गैर मुस्लिम को जिम्मी कहा जाता है यानी जिसकी हिफाजत का इस्लामी रियासत ने जिम्मा ले लिया है जिम्मी की जानो माल और आबरू बिल्कुल मुसलमान के जानो माल और आबरू की तरह मोहतरम है फौजदारी और दीवानी कवानी में मुस्लिम और जिम्मी के दरमियान कोई फर्क नहीं जिम्मियों के पर्सनल लॉ में इस्लामी रियासत कोई मुदाखल न करेगी जिम्मियों को जमीर और इतक और मजहबी रसूम इबादात में पूरी आजादी हासिल होगी जिम्मी अपने मजहब की तबलीग ही नहीं बल्कि कानून की हद में रहते हुए इस्लाम पर भी तनकीद कर सकता है ये और ऐसे बहुत से हकूक इस्लामी दस्तूर में गैर मुस्लिम रियाया को दिए गए हैं और ये मुस्तकिल हकूक हैं जिन्हें उस वक्त तक सर्द नहीं किया जा सकता जब तक वो हमारे जिम्मे से खारिज ना हो जाए कोई गैर मुस्लिम हुकूमत अपनी मुस्लिम रियाया पर चाहे कितने ही जुल्म ढाए एक इस्लामी रियासत के लिए उसके जवाब में अपनी गैर मुस्लिम रियाया पर शरीयत के खिलाफ जरा सी दस्तराजी करना भी जायज़ नहीं हती कि हमारी सरहद के बाहर अगर सारे मुसलमान कत्ल कर दिए जाएं, तब भी हम अपनी हद के अंदर एक जिम्मी का खून भी हक के बगैर नहीं बहा सकते इस्लामी रियास के इंतजाम की जिम्मेदारी एक अमीर के सपुरद की जाएगी जिसे सदर जमहूरिया के मुमासिल समझना चाहिए अमीर के इंतखा में उन तमाम बालिग मर्दों और औरतों को राय देने का हक होगा जो दस्तूर के असूलों को तस्लीम करते होंतख की बुनियाद यह होगी कि रूह इस्लाम की वाकफियत इस्लामी सीरत खुदा तरसी और तदब्बर के एतबार से कौन शख्स सोसाइटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों का एतमाद रखता है ऐसे शख्स को अमारत के लिए मंतखब किया जाएगा फिर उसकी मदद के लिए मजलिस शूरा बनाई जाएगी और वो भी लोगों की मंतख करदा होगी अमीर के लिए लाजिम होगा कि मुल्क का इंतजाम अहले शूरा के मशवरे से करे एक अमीर उसी वक्त तक हुक्मरान रह सकता है जब तक उसे लोगों का एतमाद हासिल रहे अदम एतमाद की सूरत में उसे जगह खाली करनी होगी मगर जब तक वो लोगों का एतमाद रखता है उसे हुकूमत के पूरे हासिल रहेंगे। अमीर और उसकी हुकूमत पर आम शहरियों को नुक चीनी का पूरा हक हासिल होगा इस्लामी रियासत में कानून साजी इन हदूद के अंदर होगी जो शरीयत में मुक्र की गई है खुदा और रसूल के वाज अहकाम सिर्फ इताद के लिए हैं कोई मजलिस कानून साज इनमें रद्दोबदल नहीं कर सकती रहे वो अहकाम जिनमें दो या ज्यादा ताबीरें मुमकिन हैं तो इनमें शरीयत का मंशा मालूम करना इन लोगों का काम है जो शरीयत का इल्म रखते हैं इसलिए ऐसे मामला मजलिस शूरा की उस सब कमेटी के सपर्द किए जाएंगे जो ओलमा पर मुश्तम होगी उसके बाद एक वसी मैदान इन मामला का है जिनमें शरीय ने कोई हुक्म नहीं दिया है ऐसे तमाम मामला में मजलिस शूरा कवानीन बनाने के लिए आजाद है इस्लाम में अदालत इंतजामी हुकूमत के मातहत नहीं है बल्कि बरह रास्त खुदा की नुमाइंदा और इसको जवाब दे है हाकिमान अदालत को मुक्र तो इंतजामी हुकूमत ही करेगी मगर जब एक शख्स अदालत की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो खुदा के कानून के मुताबिक लोगों के दरम्यान बेलाग इंसाफ करेगा और इसके इंसाफ की जद से खुद हकूमत भी न बच सकेगी हती के खुद हकूमत के रईसे आला को भी मुद्दाई या मुद्दा आलै की हैसियत से उसके सामने उसी तरह हाजिर होना पड़ेगा जैसे एक आम शहरी हाजिर होता है